जिसके कारण हमारे जीवन में क्षण मात्र का भी सुख उपलब्ध हो जाए, वो जब जब दिखाई पड़े ना तो दोनों हथवा जोड़कर उसको थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। आज की कथा यहीं से प्रारंभ होती है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को मांगने आए थे तो मना कर दिए, नहीं दूंगा। क्या बोले? देहा प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि दे निमिष एक माई। विश्वामित्र जी राम महाराज दशरथ से कहे थे, राजन आप राम लक्ष्मण जी को दीजिए। बोले राम लक्ष्मण पहले ये सुनिए, शरीर से प्रिय कुछ नहीं होता है, प्राण से प्रिय। विश्वामित्र जी आप यदि प्राण मांगे होते ना, निमिष मात्र का विलंब नहीं करता, ये दशरथ अभी आपको अपना प्राण निकाल कर रख देता, मैं प्राण दे देता। यद्यपि चारों पुत्र मुझे प्राण के समान ही प्रिय हैं, लेकिन आपसे कहूं राम दे त नहीं बनाई गोसाई। राम को नहीं दिया जा रहा है। विश्वामित्र जी मन ही मन विचार किए थे, यदि राम को देंगे नहीं तो मिथिला में धनुषवा के तुड़ी। यज्ञ की रक्षा करना तो एक केंद्र में, एक मार्ग में, एक माध्यम बनाया गया है। हेतु क्या है? राम जी को अयोध्या से निकालकर मिथिला तक पहुंचा देना। यहां पर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से महाराज को समझाया, तब दशरथ जी ने राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ विदा किया। आज दशरथ जी सोचते हैं, यदि विश्वामित्र जी मेरे बच्चों को लेकर मिथिला न आए होते तो आज दशरथ के जीवन में ये सौभाग्य कदापि उपस्थित नहीं हुआ होता। अस्तु महाराज दशरथ जैसे विश्वामित्र जी को देखते हैं, बाबा कहते हैं, बार बार कौशिक चरण शीश नाहि कह राम, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसार। बार बार श्री चक्रवर्ती जी महाराज विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत करते हैं बार बार, और प्रणाम करके कहते हैं, गुरुदेव आपने कृपा न की होती न तो आज दशरथ के जीवन में ये सुख की घड़ी नहीं आई होती, आपकी बड़ी करुणा प्रभु मेरे। ये सीखने योग्य व्यवहार है। हम बार बार कथाओं में एक बात आती है और आपसे सविनय निवेदन करते हैं, घर में परिवार में जिसके कारण हमारा मन भगवान की ओर बढ़ रहा है, वो जब जब दिखाई पड़े ना, ऐ दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करिए और उसको सब प्रकार से धन्यवाद करिए, आपकी बड़ी कृपा मेरे पर, आप ना होते तो हम कहाँ पहुंचे होते। आजकल बारात पहुंचती है केवल भोजन के लिए। बारात पहुंची कि ना, कहा बनल बहु भोजन में। आखिर मिथिला तो स्वागत में अद्भुत है, ये है। हम ये नहीं समझ पाते यहां के लोग भोजन का एस्टिमेट कैसे निकालते हैं। जब एक आदमी 350 रसगुल्ला खा सकता है स्वागत सीखना हो तो मिथिला में आना चाहिए। मिथिला में जैसा स्वागत हो जाता है पाहुन का, वैसा स्वागत पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं हो पाता है। मिथिला अद्भुत हो, अद्भुत नगरी।
आप दर्शन करिए, बरात विवाह के 15 दिन पहले आई थी, विवाह पूर्ण भया, अब तो बरात को जाना चाहिए। दशरथ जी महाराज नित्य प्रातः काल उठते हैं और जनक जी से कहते हैं, महाराज जाएं बरात लेकर। बोले और एक दिन रुक जाइए। आइए चौपाइयों का स्मरण करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे दिन उठ बेदा अवधपति मांगा, दिन उठ बेदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा, राखहि जनक सहित अनुरागा, नित नूतन आदर अधिकार, प्रातःकाल उठने के बाद श्री चक्रवर्ती जी महाराज जनक जी से कहते हैं, विदेहराज महाराज, जनक आज्ञा हो तो हम बरात लेकर जाएं। जनक जी और रोक लेते थे उस दिन, कैसे, सहित अनुरागा, अनुराग से। कल की कथा की परसों की कथा में एक बात आई थी, भगवान कैसे मिलते हैं, अनुराग से। जिस अनुराग से भगवान प्राप्त होते हैं जनक जी महाराज, उसी अनुराग से भगवान ही नहीं पूरे बरातियों को रोक लेते हैं। अरे जब अनुराग से भगवाने रुक जा रहे हैं तो बरातियों की क्या गिनती है। ये अनुराग दिखाई कैसे पड़ रहा है, व्यवहार से। आपको एक बात बताऊं, जैसा हमारा विचार रहता है ना, वैसा ही हमारा व्यवहार बनता है। जो यहां चलेगा वही व्यवहार में दिखाई पड़ेगा, और जैसा हमारा व्यवहार होता है समाज में वैसा ही हमारा व्यक्तित्व निकल कर आता है। ये चैन है, कड़ी है, एक दूसरे से जुड़ी, पृथक नहीं हो सकता। व्यवहार कैसा है जनक जी का, नित नूतन
आदर अधिकार। जो स्वागत की विधि है रोज बदल रही है, नित्य नवीन स्वागत। हमारा व्यवहार बताता है हो हम सामने वाले को किस भाव से रोकना चाहते हैं। मुख तो बोलता है एक दिन आप और रुक जाते ना तो बड़ा आनंद आता, भीतर कब भागेंगे यहां से। लेकिन ये छिप नहीं सकता। जनक जी महाराज इतना आदर करते हैं ना, वो बरातियों का जाने का भी मन नहीं करता। कई दिन बीते, महापुरुषों ने अलग अलग गणना बताई है। कई कहते हैं कई महीने रहे, कुछ कहते हैं 15 दिन रहे, जो भी हो यहां पर बहुत दिवस कहा गोस्वामी जी ने। बहुत दिन बीते, तब एक दिन विश्वामित्र जी, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, सतानंद जी, सभी महापुरुषों ने मिलकर जनक जी से कहा, महाराज बहुत भया, अब आप दशरथ जी को बारात के साथ विदा करिए यहां से। जनक जी महाराज ने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि रनिवास में सूचना भिजवाइए, अब बेटियों को विदा के लिए तैयार किया जाए। आपको बतावे ये बात मिथिला में आग की भांति फैल गई। लोग घरों से बाहर निकलकर दौड़ दौड़ कर एक दूसरे से पूछने लगे, ऐ तुमने सुना है क्या सत्य में दशरथ जी बारात लेकर चले जाएंगे अब? तो कहते मैंने भी सुना, जिस प्रकार जल से मछली को निकाल कर छोड़ दो और जैसे मछली छटपटाने लगती है, मिथिला के लोग सुने कि अब किशोरी जी और राम जी यहां से चले जाएंगे, है लोग छटपटाने लगे। प्रातःकाल सूर्योदय के समय खिला हुआ कमल का पुष्प संध्या में सूर्यास्त के बाद जैसे कुमिला जाता है, हो सारे मिथिला वासियों का चेहरा कुमिला गया। जनक जी महाराज अयोध्या से बारात आते समय जिन जिन स्थानों पर रुकी थी, बारात के वापसी के लिए उन सभी स्थानों पर बारात की समुचित व्यवस्था कराई। भोजन की हो, जलपान की हो, स्नान की हो, विश्राम की हो, मिथिला से लेकर अयोध्या की सीमा तक की व्यवस्था जनक जी ने कराई। कहारों से भर भर कर सामग्री को भिजवाया। दाइज देने की बात आई, दाइज यानी दहेज। जनक जी महाराज ने क्या दहेज दिया आपको पता है? 1,00,000 घोड़े दिए, यहां लिखा है तुरग लाख। वो 1,00,000 घोड़े होंगे क्या, तो उनको बांधने के लिए 25,000 रथ दिए। एक एक रथ में 4-4 घोड़े बांधे जाएंगे। 10,000 हाथियों को दिया, जो हाथी सिर से पांव तक सजे थे, और उन हाथियों को देखकर ए दिस्कुंजर देवता इंद्र लज्जित हो जाए, दिग्पाल लज्जित हो जाए कि ऐसे हाथी तो हमारे पास भी नहीं है। कहारों से भर भर कर जनक जी महाराज ने नाना प्रकार के वस्त्रों को, हारों को, स्वर्ण को, असरफियों को, नाना प्रकार की गौ माताओं को, महिषियों को इतना दाइज दिया जनक जी ने, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। देखिए दहेज कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात क्या है, वर का पिता कन्या के पिता से जो मुख खोल कर दहेज मांगता है यह बहुत बुरी बात है। क्षमा करिएगा, मुझे पता चलता चला है, मुझे लोग बताते हैं कि महाराज मिथिला में लोग दहेज लेकर ना लड़की वाले को मार डालते हैं। क्या आप सब बेहतर जानते होंगे मेरे से, लेकिन आपसे प्रार्थना करूं माई बाप, एक सूत्र सदैव याद रखिएगा, जीवन में आराम से कुछ नहीं प्राप्त होना चाहिए। जो धन आराम से प्राप्त हो जाता है ना, वो बहुत कुछ लेकर जाता है। पता कब चलता है, जब पास का भी समाप्त हो जाता है तब पता चलता है वो मैंने गलत व्यवहार कर दिया है। जो सुख अपनी कमाई से प्राप्त हो सकता है, वो प्राप्त हुए धन से जीवन में कभी सुखी होने वाला नहीं है, कदापि नहीं होने वाला है।
वर के पिता के लिए योग्य है कि कन्या का पिता अपनी शक्ति और सामर्थ्य से जो कुछ भी दहेज में प्रदान करे, लड़के के पिता को उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अनेक प्रकार से दहेज दिया, बेटियां बेटियों को माताएं दुल्हन के रूप में सजाती हैं और नारी धर्म का सुंदर उपदेश करती हैं माताएं बेटियों को। क्या करती हैं सुनिए, पहले तो आशीर्वाद देती हैं, होए बहुरी बहुरी भेंट कहीं महतारी, बहुरी बहुरी भेंट कहीं महतारी, कहीं बिरंची रची कतना, माताएं पहले आशीर्वाद देती हैं, होए हु संतत पियहि प्यारी। संतत यानी निरंतर आप अपने पति को प्रिय होइएगा, आपके माथे का ये सौभाग्य सदैव अखंड बना रहे, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। सीता जी ने कहा, माँ आपने कहा कि अपने पति को सदैव प्रिय होना, माँ हम कौन सा व्यवहार करेंगे कि हमारे पति हमको सदैव प्रेम करेंगे। तो माँ ने व्यवहार बताया, सास ससुर गुर सेवा करे, पति रुख लखे आयसु अनुसरे। माताओं ने कहा, सास ससुर श्रेष्ठ जनों की जाकर वहां पर सेवा करना। आपसे निवेदन करूं, सेवा करके किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। सेवा के भीतर वो ताकत है माई बाप, ऐ पत्थर द्रवीभूत हो सकता है, है? अपनापन के दो सिद्धांत हैं, दोनों में से कोई एक कर ला, एक कर जाइए। क्या? पहला, या तो सामने वाले के लिए इतना कर दीजिए कि वो आपका बन जाए। सामने वाले के लिए
इतना कर दीजिए कि वो आपका बन जाए, और यदि ये नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा उपाय, अपने अभिमान से नीचे उतरकर आप ही स्वयं उसके बन जाइए। इसके अलावा तीसरा कोई सिद्धांत नहीं है। आप उसको उसका बन जाइए, नहीं तो उसको अपना बना लीजिए। उसका बनने के लिए अभिमान से नीचे उतरना पड़ेगा, अपने को विलीन करना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा। दूध देखे हैं ना, दूध, हाँ, दूध के भीतर जब पानी जाता है ना तो फिर पानी पानी नहीं रहता है, दूध बन जाता है। क्यों? पानी जब दूध में जाता है तो पानी अपने आप को समाप्त कर देता है, अपना नाम समाप्त करता है, अपना पहचान समाप्त करता है और अपना स्वरूप भी समाप्त करता है। दूध सोचता है इतना प्रेम करता है ये मुझे कि मेरे लिए इसने अपने अस्तित्व को ही मिटा डाला। दूध कहता है मित्र कोई बात नहीं, आओ आओ, तुम अपना पहचान समाप्त कर दिए हो ना, तुमको मैं अपना पहचान प्रदान करता हूं, अपना रूप दूंगा, अपना रंग दूंगा, अपना स्वाद दूंगा, यहां तक कि अपना मूल्य देकर तुमको अपने साथ ही बाजार में बिकवा डालूंगा। करता है कि नहीं करता? ये क्यों? समर्पण के कारण है। सेवा करके अपना बना लीजिए। आजकल मालूम है सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम कर्तव्य करना नहीं चाहते, हम केवल अधिकार की बात करते हैं, ये हमारे साथ होना चाहिए। अरे तुम भी कुछ करोगे? कर्तव्य करने वाले को अधिकार मांगना नहीं पड़ता, कर्तव्य करने वाले के पीछे पीछे अधिकार स्वयं दौड़कर पहुंचता है। कर्तव्य करिए। कहां करिए? घर से प्रारंभ करिए। भक्त को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। भक्त को घर में, परिवार में, समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, अपने जीवन से, अपने व्यवहार से। जितना कोई काम न करे उससे अधिक काम केवल भक्त को करना चाहिए। माताएं कहती हैं कर्म करेंगे, सेवा करेंगे तो पति आपको प्रेम करेंगे। नारी धर्म का उपदेश करती हैं। इधर राम जी रनिवास में गए हैं, सखियां चारों दुल्हा सरकार को स्नान कराती हैं, सजाती हैं, दिव्य उबटन लगाकर नहवाती हैं। उबटन लगता है ना हल्दी का, उबटन लगाकर नहलाती हैं। उसी में से एक सखी ने कहा प्रभु आप चले जाएंगे? राम जी बोले हाँ। उसने कहा मैं एक प्रार्थना करूं प्रभु? कहती है अरे ए पहुना ए मिथिले में रहूना। लक्ष्मण जी बोले हमारे पास घर नहीं है क्या कि हम यहां रहेंगे ससुराल में? सखी ने कहा कि देखिए छोटके भैया, आप लोग यदि यहां रहेंगे ना तो आपके भैया का बहुत लाभ होने वाला है। बोले क्या लाभ है? बोले देखिए कितने करिया है, भाग्य मनाइए कि मिथिला थी कि विवाह हो गया। यदि राम जी इस मिथिला में रुक गए तो हम लोग रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाई बहो। रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाई बहो। एक महीना के भीतरे करिया से गोर बनाई बहो। कहत ना पानी तनिको आ, 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 आ।
तो भैया का लाभ, हमारा लाभ? हम तो पहले से गोरे हैं, हमको कितना गोरा बनाओगी? बोली आपका भी लाभ है। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ी जाई सुनी साली सरहज के गारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन साली सरहज के गारी। बीच बीच में कर बच्ची रौरिया, बीच बीच में कर बच्ची रौरी और कुछ हो ले हो जी। बोले राम जी से, भैया हमारी सेटिंग हो गई है, सब हो गया है बात, एक महीना में आप गोरे हो जाएंगे और हमको चकाचक भोजन मिलेगा यहाँ पर, भैया यहीं रहा जाए, बहुत लाभ है यहाँ पर। भरत जी जाकर सखियों से बोले, इधर सुनो, चार भाई हैं, उन दोनों का लाभ हो गया, हम दो, हम भी तो पाहुन है, हमारा क्या लाभ है? बोली आपका भी लाभ है। कमला बिमला दूध मती में झिझरी रोज खिलाई बहो। कमला बिमला दूध मती में झिझरी रोज खिलाई बहो। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झूलाई बहो। सावन में कजरी गा गा के पवन देव से कर बनी हो रा। पवन देव से कर बनी हो रा हौले हौले बहुना। हमर निहोरा रघुनंदन से मानिया ना मानी, मानिया ना मानी, अरे मानिया ना मानी। पर ससुरारे के नाते पर ताप के आपन जानी, पर ताप के आपन जानी, मिथिले में रह जइयो या मिथिले में रह जइयो या संग अपने रख ले हो ना। कहिए ऐसे कोई रोकेगा तो जाने का मन करेगा? सखियां प्रार्थना करती हैं, परंतु मेरे प्रभु समय को समझकर
अपनी सासु मैया माँ सुनैना से कहते हैं, माँ मेरे पिताजी बरात लेकर अब वापस अयोध्या जाना चाहते हैं, आपसे विदा लेने के लिए पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है। माँ सीता तो आपकी बेटी है, मैं आपका दामाद हूँ, लेकिन ये राम एक प्रार्थना करने आपके पास आया है। आप राम को दामाद समझकर प्रेम मत करिएगा, आप राम को अपना बालक समझकर माँ प्रेम करिएगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरे प्रभु की इन बातों को सुनकर ना सुनैना मैया विह्वल हो गई। सीता मैया को सुनैना जी हृदय से लगाती हैं और सीता जी के हाथ को सुनैना मैया राम जी के हाथ में सौंपते हुए कहती हैं, कर बिनय सिय राम ही समर पी जोरी कर पुनि पुनि जी ने सीता जी को हृदय से लगाया और राम जी के हाथ में मेरी मां का हाथ सौंपते हुए सुनैना जी कहती हैं, राम मैं आपके स्वभाव पर राम बलि बलि जा रही हूं। है? कहती हैं आप सब जानते हैं, आप मेरे मन की भी जानते हैं, आप महाराज के भी मन की जानते हैं, आप परिवार के भी मन की जानते हैं, आप ये जानते हैं राम कि हम अपने बेटियों को प्राण के समान प्रेम करते हैं। राम मेरी बेटियां अभी अबोध हैं, इनसे कोई अपराध हो जाए ना तो आप ये समझिएगा कि ये अपराध इनकी माँ सुनैना के द्वारा हो गया है और आप मेरी बेटियों को राम क्षमा करते रहिएगा, आप इनको अपनी चरणों की सेविका मान कर रखिएगा। राम मेरे प्रभु सुने बारंबार अपनी सासु मैया को प्रणाम करते, ये मेरे प्रभु से सीखने योग्य बात है, चरित्र है। कई लोग ससुराल में जाकर घर में भले 0 वाट का बल्ब रहे लेकिन ससुराल में पहुंचते 1000 वाट का हैलोजन हो जाते हैं। एक हमसे महापुरुष मिले कहे महाराज दामाद का मतलब समझते हैं क्या है, उनके नहीं मालूम। जिसको देखने के बाद सास ससुर का दम निकलने लगे वो दामाद, जिसको देखकर दम फूल जाए। आग का गोला मत होइए, क्यों? आग का गोला जहां जाता है केवल तबाही ही तबाही करता है। बनना है तो चंद्रमा की शीतलता के समान बनिए, जो गर्म है अपनी शीतलता से उसको भी शांत कर देता है, ये चरित्र है। मेरे प्रभु कितने शील हैं, वो बारंबार सासु माताओं को प्रणाम करते हैं, सासु मैया को प्रणाम करते हैं। प्रभु के साथ मैया दुल्हन के रूप में विदा लेकर जाती हैं, ऐसा लगता है मानो मिथिला में करुणा ने आकर डेरा डाल दिया, जो जहां है वही रो रहा है। मनुष्य नहीं, मनुष्य को तो छोड़िए, अश्वशाले में अश्व रो रहे हैं,
गौशाले में गौ माताएं रो रही हैं, सोने के पिजड़े में मेरी माँ तोता मैना को पाल के रखी थी, तोता मैना ने सीता जी को जाते देखा है तड़पने लगे। तोता मैना बार बार कहते मुझे सोने के पिजड़े में नहीं रहना, मुझे तो अपने किशोरी के चरणों में रहना है, मुझे तुरंत यहां से बाहर निकाला जाए। अब आप कल्पना करिए, जिसके वियोग में जीव जंतुओं की ये गति है, वहां पर जो मनुष्य होंगे उनकी क्या दशा भई होगी। आज जनक जी महाराज वैरागी कहे जाते थे, आज अपना सारा वैराग्य भूल गए। जिस बेटी को महाराज जनक ने गोद में खिलाया था, हो सीता जी के आने के बाद जनक जी समझ गए थे ये मेरी बेटी मेरी भक्ति है जीवन की, और ये भक्ति मेरे पास आई है तो इसी भक्ति के कारण मुझे एक दिन भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। और भया भी सीता मैया के कारण ही जनक जी को भगवान का दर्शन भया। जनक जी आज बिलख बिलख के रो रहे हैं कि जिस भक्ति ने मुझे भगवान का दर्शन कराया, मेरे जीवन की वो भक्ति मुझे छोड़कर आज जा रही है, अब मैं किसके सहारे यहां पर रहूंगा। महाराज बहुत रोए, सचिव लोग संभालते हैं, महाराज धीरज रखिए। चार सुंदर पालकियों को मंगाकर महाराज ने बेटियों को हृदय से लगाकर पालकी पर बिठाया है। इधर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ब्राह्मणों को बुलाकर दान देते हैं, याचकों को संतुष्ट करते हैं, और गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके बारात को लेकर मिथिला से अयोध्या की ओर बढ़ते हैं। जनक जी कुछ दूर बारात को पहुंचाने गए, बार बार दशरथ जी के विदा करने के बाद भी जनक जी लौट कर नहीं आते, बारात के साथ ही जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दशरथ जी महाराज अपने रथ से नीचे उतरे, जनक जी भी उतर गए। जनक जी महाराज दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे चक्रवर्ती जी, करो कवन विधि विनय बनाई महाराज मोहि दी बड़ाई। जनक जी कहते हैं, दशरथ जी मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके किस प्रकार से आपको धन्यवाद दूं महाराज, आज आपने मेरे साथ संबंध जोड़कर ना इस छोटे से जनक को भी आपने सातवें आसमान पर बिठा दिया है, आपके साथ संबंध होने के कारण मैं भी बड़ा बन गया। दशरथ जी कहते हैं, महाराज जनक आप उल्टी बात कर रहे हैं, आपने अपनी बेटियों को दिया है और मैंने आपकी बेटियों को लिया है, और जगत जानता है कि सदैव लेने वाले से बड़ा देने वाला रहता है, महाराज मैं बड़ा नहीं हूं, आप बड़े हैं क्योंकि आपने दिया है। बड़ा देता है ना, यही बड़प्पन है। कोई भी व्यक्ति धन से बड़ा नहीं होता, अपने विचार से बड़ा होता है। बड़ा कौन है माई बाप? जो सबके भीतर बड़प्पन का दर्शन करता है वो बड़ा आदमी है, जो किसी को भी अपने से छोटा नहीं मानता वो बड़ा आदमी है। मुझे एक बात सदैव स्मरण में मेरे बनी रहती है, मेरे महाराज ने मुझे एक दिन बात कही थी, लाला जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझना। क्यों? क्योंकि छोटे से बीज के भीतर एक विशाल बरगद का वृक्ष छिपा हुआ रहता है, न जाने कब वो अंकुरित हो जाए और विशाल रूप धारण कर ले। उसी प्रकार कौन सा मनुष्य कब किस स्थान पर पहुंच जाए कोई जानने वाला नहीं है। बड़ा कौन? जिसके पास छोटा भी पहुंचकर बड़ा बन जाए वो बड़ा आदमी है। छोटा पहुंच के बड़ा बन जाए, दोनों परस्पर एक दूसरे को बढ़ाई दे रहे हैं। राम जी चारों भाई तीनों भाइयों के साथ अपने ससुर जी को प्रणाम करते हैं। यहां पर यहां एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। जब राम जी प्रणाम कर लिए ना, जनक जी ने आशीर्वाद दे दिया, तब जनक जी महाराज ने राम जी से कहा, राम जी समाज की दृष्टि में आप मेरे दामाद हैं,
मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, लेकिन आज मैं अपने दामाद से बात नहीं कर रहा हूं राम जी। आज जनक अपने भगवान के सामने खड़ा है और मैं अपने भगवान से बात करना चाहता हूं। राम जी बोले, बोलिए। जनक जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे नाथ? मैं अपने दामाद से नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने भगवान से मांगना चाहता हूं। राम जी बोले, यदि भगवान मान के मांग रहे तो जरूर दूंगा, मांगिए क्या चाहिए। जनक जी कहते, प्रभु मैं बारंबार आपसे केवल यही मांगता हूं नाथ, एक आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। इस जनक का मन आज के बाद आपके चरणों को छोड़कर प्रभु कहीं ना भटके, मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहे, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने आशीर्वाद दिया और श्री चक्रवर्ती जी महाराज बरात को लेकर मिथिला से वापस श्री धाम अयोध्या पहुंचे।